फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिकाज फ्रूटफुल केयर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि इस समय अपनी स्किन की ड्राइनेस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और स्किन पे, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा जो कलर का एक डार्क कॉम्प्लेक्शन की तरफ चला जाता है थोड़ा, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं आज की जो मैं आपको टिप्स दूंगी उससे पूरी तरह से ये सॉल्व हो जाएंगी। स्किन आपकी क्लीन हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी और साथ के साथ जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अब शुरू हो जाइए, क्योंकि मौसम जो है चेंज होता जा रहा है, ठंड कम होती जा रही है। अच्छे से स्किन की केयर कीजिए और अच्छे से इसको रखरखाव दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही मैं आपको टिप्स दूंगी जो आप डेली करेंगे। जो सबसे पहली वाली जो टिप है, जिसमें कि आप रॉ मिल्क लीजिए, उसके अंदर जैसे आपने 2 स्पून जो है वो रॉ मिल्क ऐड किया और उसके अंदर आप 3 से 4 ग्लिसरिन की ड्रॉप्स डालिए। आप इसको एज अ क्लिनजर यूज़ करके देखिए एक बार। कॉटन की हेल्प से आप अपने हाथों पे लगा के देखिए, फेस पे लगाइए इसको, कहीं भी अप्लाई कीजिए, अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। इससे ऐसे मैल छूटती है, ऐसे कालापन छूटता है, मानो कितने टाइम की आपने जो आपके हाथों पे गंदगी थी वो उतर रही है। आप इसको करके देखिए और मुझे बताइए कैसी लगेगी आपको। अब जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई है, ये तो नॉर्मल और ऑयली स्किन वालों के लिए है। और हाँ, ऑयली स्किन वाले इसमें 3 से 4 ड्रॉप्स जो है वो लेमन जूस की ऐड जरूर करेंगे और उसको एज अ क्लिनजर यूज़ कीजिए आप, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम ड्राई है। कईयों की स्किन आप देखेंगे तो मतलब उनके तो ऐसा होता है कि कई बार चीक्स जो है, स्पेशली बच्चों की भी, ये पोर्शन जो है वो फट के उसमें से ये अलग से दिख रही होती हैं स्किन की जो फ्लेक्स होती हैं। तो एक्सट्रीम ड्राई वाले क्या करें, वो निराश ना होए, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। आप थोड़ी मलाई के अंदर, जो हमारी दूध की मलाई होती है उसके अंदर 1/2 स्पून मलाई ले लीजिए, या जितनी भी आपको जहाँ भी आपको यूज़ करना है इसी हिसाब से, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतनी मलाई लीजिए और उसके अंदर 3 से 4 जो ड्रॉप्स हैं ग्लिसरिन की ऐड कीजिए, मिक्स कीजिए अच्छे से और उसको एक अच्छे से उसको फेस पे अपने रब करते जाइए। आप चाहें तो इसके अंदर हल्का सा बेसन डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा बेसन डालिए। तो बस हल्का सा बेसन डालिए और इसको अच्छे से रब कीजिए अपने स्किन को, स्पेशली ये पोर्शन पे अच्छे से रब कीजिए। आप यकीन मानिए कि इतनी बेहतर चीज़ें हैं कि इसके आगे महंगी से महंगी क्रीमें, लोशन सब फेल हो जाती हैं। तो ये तो थी जो हमने क्लीनिंग बताई जो आपको यूज़ करनी है उसके लिए, जो आपकी डेड स्किन्स हैं और कॉम्प्लेक्शन क्लियर करने के लिए। अब चलते हैं मास्क कौन सा लगाएं इन दिनों में। तो मास्क के लिए मैं बहुत अच्छा बताती हूँ आपको कि आप रात को सोने से पहले 1 टीस्पून हनी के अंदर थोड़ा सा, उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन जूस ऐड कर लीजिए, उसको अच्छे से बीट कीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए उसको और एज ए मास्क उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। ये आप डेली कीजिए और देखिए आपकी स्किन क्या बेहतर होने वाली है। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि क्या स्किन ऐसी भी हो सकती है। आप करके देखिए और मुझे बताइए कि कैसे लगेगी आपको। अब एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ अंडर डार्क सर्कल्स के लिए, मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी बताई थी, लेकिन इसको रूटीन में कीजिए। जैसे आप नाइट रूटीन में आप करते हैं तो आप इसको 2 जगह पे यूज़ कीजिए। किसको? आप 1/2 स्पून के करीब जो है वो हनी ले लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा जो है कॉफ़ी पाउडर ऐड कीजिए। कॉफ़ी पाउडर आप 1/2 स्पून भी ले सकते हैं, इसके अंदर बराबर भी ले सकते हैं और थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसको मिक्स कीजिए और अंडर आई डार्क सर्कल्स पे इसको लगा रहने दीजिए 30 मिनट्स। कोई सीरियल देखिए, कुछ भी कीजिए, घर का काम कीजिए, लगा रहने दीजिए उसको और बाद में इसको वॉश कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया है, अमेजिंग है ये। वॉश करने के बाद आप क्या करेंगे, 1 से 2 ड्रॉप्स जो हैं आप आलमंड ऑयल, मतलब रोगन बादाम की लीजिए। अब उसको यहाँ पे अपने रिंग फिंगर पे अप्लाई कीजिए और इसको इस तरह से मसाज करते हुए ऐसे ले जाते हुए इसको यहाँ पे जाके इसको प्रेस कर दीजिए टेम्पल पे। इससे क्या होगा, एक तो ये जो स्किन बहुत ड्राई होती है क्योंकि इसका अपना कोई ऑयल नहीं होता, जो हमारी अनड्राई डार्क सर्कल्स हैं, तो एक तो इसकी केयर बहुत अच्छी होती है, आपके डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं
और आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, आपकी स्किन यहाँ की जो है बहुत सही रहती है, रिंकल्स वगैरह फाइन लाइंस जल्दी नहीं आते। इसके अलावा अब हम बात करते हैं लिप्स के बारे में, तो लिप्स के लिए क्या कर सकते हैं, लिप्स के लिए आप हनी के अंदर जो आपने कॉफ़ी पाउडर डाला था वो तो डला ही हुआ है, साथ के साथ उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए, चीनी जो बारीक वाली आती है, अगर मोटी वाली है तो हल्का सा मिक्सी में उसको चला लीजिए और थोड़ा सा उसको दरदरा कर लीजिए, इसको मिक्स कीजिए और लिप्स पे अप्लाई कर लीजिए और इसको भी 30 मिनट्स के लिए लगा रहने दीजिए। काम कीजिए, कुछ भी कीजिए, बैठिए मत, या कोई सीरियल देखना है तो हाँ ठीक है फ्री टाइम में कर लीजिए, और इसको कीजिए 30 मिनट्स के बाद इसको हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में रब करते हुए, लड़िए मत स्किन के साथ, बिल्कुल स्लोली स्लोली उसको अच्छे से रब करते हुए इसको वॉश कर दीजिए। आप ये लगा के देखिए और फिर देखिए क्या अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, बहुत बेहतर होने वाली है स्किन आपकी, तो करके देखिए ये सब चीज़ें, बहुत छोटी छोटी सी। अब आपने यहाँ भी स्क्रब हटा लिया, अब आप वही चीज़ जो आपने आंखों पे किया था, थोड़ा सा बादाम रोगन या कोई बाम लिप बाम लगा के रात को सो जाइए, और ये बहुत ज़रूरी है, सुबह तक स्किन फेस आईज सब चमक जाएगा और खुद खुश हो जाएंगे देख के मिरर में कि वाह क्या ये मैं हूँ। आप करके देखिए, अपनी केयर करना, अपने से प्यार करना जरूर आना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी सी है, इसको भरपूर भरपेट जिए, जैसे भरपेट खाना खाते हैं ना वैसे भरपेट इसको जिए, और खूब खुश रहिए, ग्रेसफुली अपनी एज को एक्सेप्ट कीजिए और बिंदास रहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय।